नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको दो डिवीजन के सम्स दिखाने वाला हूँ। ये दोनों सम्स एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किए हुए हैं। पहला सम है जिसमें 3 डिजिट डिवाइडेड बाय 2 डिजिट नंबर है, और दूसरा वाला है जिसमें 4 डिजिट नंबर डिवाइडेड बाय 2 डिजिट नंबर है। ओके, सो दोनों सम्स एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला वाला सम है 405 डिवाइडेड बाय 27। सो जैसे कि कोई भी डिवीजन प्रोसीजर में हम शुरू करते हैं, हम लोग दो सेट्स यूज करते हैं, एक आंसर सेट होता है और एक क्वेश्चन सेट होता है। सो ये हमारा मिडिल वाला सेंटर वाला जो व्हाइट डॉट है, ये आंसर सेट का यूनिट्स प्लेस होगा। सो यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर आने वाला है। और ये उसके बाजू वाला जो व्हाइट डॉट है, उसको हम यूनिट्स प्लेस ऑफ द क्वेश्चन सेट, क्वेश्चन सेट जो है वो यहाँ पे खत्म होगा हमारा। सो जो 405 पहले सम में हम लोग, हमारा जो नंबर जिसे हमें डिवाइड करना है, वो 405 यहाँ पे खत्म होना चाहिए। सो 405 ऐसे हम लेंगे, और डिवीजन डिवाइजर जो है वो है 27। अभी 27 का टेबल अगर किसी स्टूडेंट को बाय हार्ट होगा तो वो डायरेक्टली डिवीजन शुरू कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसका भी प्रोसीजर मैंने पहले भी किसी वीडियो में दिखाया हुआ है, लेकिन एज्यूम करते हैं कि 27 का टेबल हमें बाय हार्ट नहीं है। तो बाय हार्ट ऐसा नहीं होता, तो अब हम क्या करते हैं, 27 वन टाइम्स तो 27 है, हम 2 टाइम्स और 3 टाइम्स का कैलकुलेशन करके रेडी रखते हैं। सो 27 टू टाइम्स कितना होता है, 54। सो 54 जो है वो राइट वाले कॉर्नर में मैं ले लेता हूँ अपने आंखों के सामने रखने के लिए, 54। ओके, आप चाहे तो पेपर पे डिवाइजर के बाजू में भी ये दो नंबर लिख सकते हैं, लेकिन मैंने एबेकस पे ले लिया। 27 टू टाइम्स जो है वो है 54, 27 थ्री टाइम्स जो है वो है 81। सो 81 जो है वो मैं यहाँ पे इस कॉर्नर में ले लेता हूँ, 81। अभी हम डिवीजन शुरू करेंगे। हमारा नंबर है 405, डिवाइजर है 27, टू डिजिट नंबर है। सो डिवाइजर, सॉरी, इस नंबर में से हम पहले टू डिजिट्स हम देखेंगे। पहला टू डिजिट नंबर बनता है यहाँ तक 40। ओके, सो टेंस प्लेस, क्वेश्चन सेट के टेंस प्लेस तक का नंबर है 40। इस 40 में से हम 27 वन टाइम्स वाला 27 ही सब्ट्रैक्ट कर सकते, टू टाइम्स या थ्री टाइम्स नहीं कर सकते। सो वन टाइम जो है वन, जो वो आंसर में हम लेंगे। तो आंसर में कौन से रॉड पे लेंगे, तो ये नंबर हम 40 जो है वो यहाँ पे टेंस प्लेस तक देख रहे हैं, तो इसीलिए आंसर सेट के टेंस प्लेस पे हम वन लेंगे। ओके, सो यहाँ पे मैंने वन ले लिया। 27 वन टाइम्स होता है 27, वो 27 हम यहाँ से माइनस करेंगे, 27। सो अभी यहाँ पे नंबर बचा है 13। 13 जो है वो अपने डिवाइजर से छोटा है, इसीलिए हम अगले रॉड पे जाएंगे। अगले रॉड पे जाने के बाद पूरा नंबर जो यहाँ तक, इस रॉड तक हमें दिख रहा है, वो है 135। अभी इस 135 में से हम 27 टू टाइम्स भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, थ्री टाइम्स भी। थ्री टाइम्स ज़्यादा नज़दीक है, तो थ्री टाइम्स हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। थ्री टाइम्स होता है 81। सो थ्री हम आंसर सेट पे लेंगे। कौन से रॉड पे लेंगे, तो ये 135 जो है वो यूनिट्स प्लेस पे खत्म हो रहा है, इसीलिए आंसर सेट में भी हम यूनिट्स प्लेस के रॉड पे 3 लेंगे, और 135 में से हम 81 जो है वो माइनस करेंगे। सो 81 माइनस करने के लिए हमें यहाँ पे 8 माइनस करना है, सो +2 -10, और यहाँ पे मुझे 1 माइनस करना है, तो +4 -5। ओके, ये होने के बाद भी हमारे पास जो नंबर बचा हुआ है यहाँ पे, वो है 54। इस 54 में से हम ये देख सकते हैं कि 27 टू टाइम्स 54 जो है वो डायरेक्टली पूरी तरह से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। सो हम वो करेंगे। वो करने से पहले यहाँ पे हमें यूनिट्स प्लेस के रॉड पे 27 टू टाइम्स 54 है, तो यहाँ पे हमें 2 ऐड करना है। तो 2 ऐड करने के लिए हम +5 -3 करेंगे, और फिर यहाँ से 54 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन सेट का नंबर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, यानी कि रिमाइंडर कुछ भी नहीं है, और हमारा फाइनल आंसर जो है वो है 15। सो 405 डिवाइडेड बाय 27 करने के बाद फाइनल आंसर बचता है 15, और रिमाइंडर कुछ भी नहीं है, 0। ओके, सो नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम में हमारा जो नंबर डिवाइड होना है वो है 4 डिजिट नंबर, 1944। सो 1944, और हमारा डिवाइजर जो है वो है 54। ओके, सो 54 का भी टेबल अभी हमें नहीं आता, ऐसे एज्यूम करते चलते हैं। और 54 वन टाइम्स 54 होता है, 54 टू टाइम्स होता है 108, वो हम इस कॉर्नर में लेंगे, 108। और 54 थ्री टाइम्स होता है 162, वो हम इस लेफ्ट कॉर्नर में लेंगे, 162। ओके, और अब हम डिवीजन शुरू करते हैं। टू डिजिट नंबर का डिवाइजर है, तो इस 1944 में से पहले टू डिजिट्स का नंबर हम देखेंगे।
पहले टू डिजिट्स का नंबर है 19, लेकिन 19 जो है वो अपने डिवाइजर 54 से तो छोटा है, तो इसीलिए इस 19 का हम कुछ नहीं कर सकते। सो ये थर्ड रॉड होने की वजह से आंसर के थर्ड रॉड पे कुछ भी नहीं आने वाला, ओके, ये थर्ड रॉड खाली रहने वाला है। सो हम आगे जाते हैं सेकेंड रॉड पे। सेकेंड रॉड पे जो नंबर हम देख सकते हैं सेकेंड रॉड तक, ओके, उस रॉड तक का नंबर है 194। और अब इस 194 में से हम देख सकते हैं कि हम ये वाला नंबर यानी कि 162 जो है 54 थ्री टाइम्स, ये हम आराम से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम आंसर सेट पे 3 लेने वाले हैं, तो कौन से रॉड पे लेंगे वो यहाँ पे देख लेते हैं। ये जो नंबर है 194, ये हमारा टेंथ प्लेस पे, क्वेश्चन सेट के टेंथ प्लेस पे खत्म हो रहा है, इसीलिए आंसर सेट के टेंथ प्लेस पे 3 लेंगे। ओके, आंसर सेट के टेंथ प्लेस पे मैंने 3 ले लिया है, और अभी इस 194 में से मुझे 162 सब्ट्रैक्ट करना है, 162। ओके, सो यहाँ पे अभी जो नंबर बचा हुआ है हमारे पास इस रॉड तक यानी कि टेंथ प्लेस के रॉड तक, वो है 32, और 32 जो है वो अपने डिवाइजर 54 से छोटा है, इसीलिए हम अगले वाले रॉड पे जाएंगे। अगले वाले रॉड पे जाने के बाद नंबर हमारे सामने जो दिख रहा है वो है 324। इस वाले रॉड तक, ओके, यूनिट्स प्लेस के रॉड तक का नंबर है 324। अभी इस 324 में से भी हम देख सकते हैं कि हम 162 आराम से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आंसर सेट पे फिर से हमें एक बार 3 लेना है और इसमें से 162 माइनस करना है। सो आंसर सेट पे 3 कहाँ पे लेंगे, कौन से रॉड पे लेंगे, तो ये 324 जो है वो यूनिट्स प्लेस पे ख़त्म होता है, इसीलिए आंसर सेट के भी यूनिट्स प्लेस पे ही 3 लेंगे। सो 3 यहाँ पे ले लिया, और इस 324 में से अभी 162 माइनस करेंगे, 162। ओके, 162 माइनस हो गया है, और अभी बचा हुआ क्या नंबर है, फिर से 162 बाकी है। ओके, सो बचा हुआ नंबर फिर से 162 होने की वजह से हम एक और बार 3 ऐड करके 162 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो 3 फिर से हम लेंगे, कौन से रॉड पे लेंगे, तो यूनिट्स प्लेस पे ही ऐड करेंगे। सो यहाँ पे 3 ऐड करके यहाँ पे 3 ऐड कर दिया, और ये जो 162 है वो यहाँ से माइनस कर दिया, तो हमारा क्वेश्चन सेट पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। जो फाइनल आंसर हमारे पास बचा है वो है 36। सो 1944 डिवाइडेड बाय 54 करने के बाद फाइनल आंसर बचता है 36, रिमाइंडर है 0, और डिवीजन पूरा हो चुका है। ओके, उम्मीद करता हूँ ये प्रोसीजर अभी आपको समझ में आ गया हो।